हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HP G4 के विषय में, जिसको अखिलेश वाला लैपटॉप भी कहा जाता है। इसमें अगर फ़ैन की प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे सही करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो हम लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लैपटॉप ओपन हो चुका है और अब इसका हम मदरबोर्ड निकालेंगे। तो इसका मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगा है आपका ये फ़ैन जो कि कूलिंग करता है। अब यही कभी कभार क्या होता है, जाम हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है फ़ैन में, तो ये दिक्कत करने लगता है और आपके लैपटॉप में जो है वो कूलिंग प्रॉब्लम शो करने लगता है, नोटिफिकेशन आने लगता है। तो आज इसी को हम चेंज करना सीखेंगे, कैसे इसको चेंज करते हैं। तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फ़ैन है, ये हमको इसमें लगाना है, ये ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो पुराना फ़ैन है इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालना, ये जो चार बोल्ट्स लगे हैं इनको हम ओपन करेंगे। तो ये हीट सिंक जो होती है, जो CPU के ऊपर लगी है हमारी, ये निकल आएगी। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। अब इसके जो पेंच होंगे, ठीक है, वो हमको एक एक करके सबके सब ढीले करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ही पेंच पहले खोल लिया हमने, सबके सब जो पेंच होंगे वो हमको ढीले करने पड़ेंगे एक एक करके। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लिया जाए जिससे दिखने में आपको आसानी रहेगी। अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से ये जो चारों पेंच हैं इनको ओपन करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, ठीक है, क्योंकि हीट सिंक है, ये टूट भी सकती है। तो इसको आप आराम से ही खोलिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं।
अब ये पेंच हमारे ओपन हो चुके हैं, अब इसको ये जो हीट सिंक है इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा जो आगे साइड में होती है ये चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ये आगे जो है वो जो हीट सिंक है आगे का हिस्सा वो चिपका हुआ होता है, तो उसको हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे तभी जाके निकलेगा। तो इसको हम उखाड़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, इतना भी ज़्यादा मत लगाइएगा, देख लीजिएगा पहले कितना चिपका है, क्या है, कैसा है, तब जाके इसको निकालिएगा, ठीक है। ये निकला है, अब इसका हम ये वायर जो लगा हुआ है इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसको आसानी से रिमूव कर लेंगे, निकल चुका है हमारा यहाँ पे। अब करना क्या है हमको, इसमें जो हमारा फ़ैन है उसको दूसरा लगाना है, ये जो फ़ैन है हमारा इसको यहाँ पे लगाना है। करेंगे कैसे, यहाँ पे दो हमको नट मिल जाते हैं, बोल्ट मिल जाते हैं इनको, एक ये और एक ये यहाँ पे, इसको अब खोल के यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, काफ़ी आसानी से खुल जाएंगे ये बोल्ट, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब करना क्या है हमको, ओपन ओपन, जल्दी से इसको ओपन करते हैं, ये हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे लॉक लगे होंगे दो साइड में, इसको खोल लेते हैं, एक ही लॉक और ये एक ये लॉक, ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ये हमारा फ़ैन निकल जाएगा, वापस हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, कभी इसमें आप ऑयल डाल के भी काम चला सकते हैं, अगर इसमें आप ऑयल डाल देंगे तो आपका काम चलने लगता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, आपको करना ही पड़ता है, नया डालना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप नया ही फ़ैन लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और ये फ़ैन का रेट प्राइस मैंने बताया ही है कि ये 200-250 से 300 के प्राइस में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मैंने नहीं चेक किया है, लेकिन 200-250 रुपये मेरे को तो फ़िलहाल 250 रुपये पड़ा है ऑफलाइन मार्केट में, ठीक है। तो इसको आप ऑफलाइन मार्केट कहीं भी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप की मार्केट है वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, ये 250-300 तक का आपको मिल जाएगा। बाकी अगर ऑनलाइन मैं चेक करता हूँ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको लैपटॉप खोलना नहीं आता है, जैसे मैंने खोल के बता दिया इसको कि कैसे आपको खोलना है, तो मैंने एक वीडियो इस पर बना रखी है कि आप HP G4 लैपटॉप कैसे खोलेंगे, हाउ टू डिसमेंटल HP G4 लैपटॉप नाम से वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका पूरा लैपटॉप होता है उसको आप कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको, ये नट इसके लगा देते हैं, ये फैन हम कस देंगे पूरा वैसे जैसे हमने इसको खोला था। तो चलिए जल्दी से इसको कस लेते हैं इसके बोर्ड्स। अगर आपके पास पेस्ट रखा है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, कभी कभार कूलिंग की दिक्कत यहाँ पेस्ट से भी होती है, जो पेस्ट लगा होता है कूलिंग पेस्ट जिसको कहते हैं, CPU के ऊपर जो लगा होता है, तो कभी कभार उससे भी दिक्कत होती है, अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट कर रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आप कूलिंग पेस्ट लगा दीजिए, तो आपकी उसकी सर्विस हो जाएगी, वो आपकी प्रॉब्लम जो होगी कूलिंग की वो सही हो जाएगी। अब जैसे हमने निकाला था सेम टू सेम वैसे ही को रख के फिर ये जो चारों बोल्ट्स होते हैं इनको बहुत ही आराम से कसना है, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा दम लगा के नहीं कसना है, धीरे धीरे करके एक एक बोल्ट को धीरे धीरे कसना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से एक ही बोल्ट को जोर से कस दिया फिर दूसरा बोल्ट कस रहे हैं, तो सब पे थोड़ा थोड़ा कसना है, ठीक है। जितने बोल्ट हैं थोड़ा थोड़ा सबको हमको कसना रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दम भी नहीं लगाना है आपको। तो चलिए इसको कस लेते हैं जल्दी से बोर्ड को। तो हमारे नट्स जो हैं यहाँ पे, ये जो बोल्ट्स हैं ये कस चुके हैं और हमारा फ़ैन भी प्रॉपर चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।